बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां लखनऊ में ईडी ने बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की जमीन की जब्त। राजधानी लखनऊ में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी ने कसा शिकंजा। वर्तमान समय में जौनपुर से सपा सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा। बाबू सिंह कुशवाहा पर चल रहे पीएमएलए केस में प्रवर्तन निदेशालय कर रही है जांच। जांच के बाद ईडी ने कानपुर रोड स्थित स्कूटर इंडिया चौराहे के पास बाबू सिंह कुशवाहा की करोड़ों की बेशकीमती जमीन को आज किया जब्त। एनआरएचएम केस में बाबू सिंह कुशवाहा 4 साल की जेल भी काट चुके हैं। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस भी दर्ज हैं। जमीन पर निर्माण कार्य तोड़ने के लिए बुलडोजर साथ लेकर पहुंची है ईडी की टीम। ईडी के इस ताजा एक्शन के बाद यूपी की राजनीति में हलचल हुई तेज।